आप लोग उम्मीद है ठीक होंगे। मेरा नाम है मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल हिमाचली थ्रॉटल। तो आज जिस बाइक के बारे में हम बात करेंगे, हम रिव्यू करेंगे इस बाइक का, तो ये बाइक है बजाज पल्सर 150 BS6 डबल डिस्क, स्टैंडर्ड वेरिएंट नहीं है। तो चलिए करते हैं अब इस बाइक की बात, जो भी इसकी डिटेल्स है और जो भी इस बाइक में चेंज हुए हैं। तो ये है हमारी ब्रांड न्यू बजाज पल्सर 150 BS6। तो बात करें अगर इसके इंजन की, तो इसमें मिलेगा आपको 149.5 cc का इंजन, जिसमें आपको 14 PS की पावर और 13.25 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा। टू कलर वेरिएंट्स इसमें अवेलेबल हैं, ब्लैक एंड ब्लू जो कि आप अभी देख सकते हैं, और एक ब्लैक एंड रेड। और इसमें आपको अलॉय व्हील मिलेंगे, टू वेरिएंट्स हैं इसमें, एक जो आप अभी देख रहे हैं डबल डिस्क और एक स्टैंडर्ड। तो डबल डिस्क का वेरिएंट ये है और लेज़र एडिशन आप देख सकते हैं इसमें। ग्राफिक्स और FI का सिस्टम आपको इसमें देखने को मिलेगा। आप देख लीजिए इस बाइक के बी रोल्स, फिर करते हैं इस बाइक की डिटेल्स की बात। तो आपको बी रोल्स काफ़ी पसंद आए होंगे। तो चलिए अब करते हैं डिटेल्स की बात। तो इसमें अब आपको फ्रंट डिस्क के साथ ABS देखने को मिलेगा, सिंगल चैनल ABS, रियर में आपको ABS देखने को नहीं मिलेगा। और लेज़र ग्राफिक डिज़ाइन आप देख सकते हैं। सीट कॉल पे आपको 150 की ब्रांडिंग, स्प्लिट सीट्स आपको डबल डिस्क वाले वेरियंट में देखने को मिलेगी, और पल्सर जैसा कि आप देख सकते हैं 3D में लिखा हुआ है यहाँ पर। और लेज़र ग्राफिक आप इंजन कॉल पे भी देख सकते हैं। रियर में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, जिसमें ABS नहीं है क्योंकि ये सिंगल चैनल ABS है। और स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको रियर के टायर में डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए अब करते हैं बाइक को स्टार्ट और बताते हैं आपको इसके मीटर कंसोल के कुछ फंक्शंस। वैसे ये वैसा ही है जैसे पहले आता था, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसा आप ABS देख सकते हैं, ABS की लाइट है, इंडिकेटर्स की लाइट है, न्यूट्रल की लाइट है। और अब आप सुन लीजिए पहले इसकी एग्जॉस्ट की साउंड, जो कि चेंज हुई है क्योंकि BS6 का वेरिएंट है। अब चलिए करते हैं आप बाइक को स्टार्ट। और किक स्टार्ट आप इसको नहीं कर सकते हैं, इसमें सिर्फ सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन ही अवेलेबल है। और बात करें अगर इसके मीटर कंसोल की, तो इसमें FI लाइट आप देख सकते हैं, इंडिकेटर लाइट, न्यूट्रल लाइट, RPM लाइट और ट्रिप 102 की ऑप्शन मिलेगी अब आपको। तो आप सुन लीजिए अब एग्जॉस्ट साउंड। और बैकलाइट आपको LED ही देखने को मिलेगी। और इंडिकेटर्स इसमें लेफ्ट और राइट दोनों हैलोजन दिए गए हैं, एक रिफ्लेक्टर। और रियर टायर काफ़ी वाइड है पहले के मुकाबले, और दोनों टायर्स फ्रंट एंड रियर MRF के दिए गए हैं। और हेडलैम्प में आपको LED के बजाय अभी भी हैलोजन बल्ब देखने को मिलेगा। और इंजन के नीचे आपको इंजन कॉल देखने को मिल जाएगा, जिसमें कार्बन की फिनिशिंग के साथ साथ लेज़र एडिशन के ग्राफिक्स दिए गए हैं। इंजन में आपको अब FI सिस्टम मिलेगा कार्बोरेटर के बजाय, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी। और यहाँ पर आपको कार्बन की फिनिशिंग देखने को मिलेगी। और पीछे बाकी सारी पल्सर वैसी ही है जैसे कि पहले आती थी। और एलॉयज और मड गार्ड्स पे आपको लेज़र एडिशन ग्राफिक्स की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। टैंक कॉल पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगी। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये बाइक कैसी लगी। और डुअल डिस्क वाले वेरिएंट में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलेगी, हालांकि स्टैंडर्ड वाले में आपको सीट स्प्लिट नहीं मिलेगी। मेजर चेंज इस बाइक में प्राइस इसका थोड़ा सा हाइक हो गया है BS6 की, क्योंकि अब कार्बोरेटर की जगह इसमें FI आएगा। और इसमें आपको ABS सब देखने को मिलेगा और थोड़े ग्राफिक्स चेंज हैं, बस यही चेंज है इस बाइक में। अगर और कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर बात करें इस बाइक के प्राइस की, तो ये बाइक आपको पड़ेगी ऑन रोड 1,17,000 के आसपास,
मतलब 1,17,000 में आपको इसकी RC इंश्योरेंस 5 साल की और नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ मिलता है हिमाचल प्रदेश में। बाकी स्टेट्स का पता नहीं क्योंकि RTO के हिसाब से इनके कीमत तय होती है एक्स शोरूम के बाद। तो होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इस बाइक से रिलेटेड तो मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पर आप DM कर सकते हैं। तो ठीक है, आप सब रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय शंकर महाराज।